तो यार अभी एक नई खबर सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और यूट्यूब ये सब बैन होने वाले मैं वहां पे रुकी नहीं। आज चाचा के पास कुछ नहीं है गाइस बनाने के लिए, तो अब आज हम बनाएंगे चाचा के बदले व्लॉग। तो गाइस स्वागत है, दिस इज मी सूरज, दिस इज मी शिल्पा। सॉरी 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 सॉरी। तो भाई ये कैसे हो गया, मतलब आज मेरे कैमरे में, मतलब मेरा कैमरा मम्मी ने पकड़ा हुआ है। आओ आज मैं तेरी खबर लूंगी। तो कैसे लोगे मेरी खबर, जरा ये बताना। मैं तेरी खबर ही लूंगी। तो पहले ये बता कि तेरी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड है और कितनी थी और कितनी है। आई एम सॉरी बाबू, हम शुद्ध गरीब है। आज चाचा के पास कुछ नहीं है गाइस बनाने के लिए, तो अब आज हम बनाएंगे चाचा के बदले व्लॉग। तो गाइस स्वागत है, दिस इज मी सूरज, दिस इज मी शिल्पा। ओ सॉरी सॉरी, कर रहे हो? आई एम, दिस इज मी अनुराग रियल नेम, दिस इज मी सृष्टि रियल नेम। तो आज तुम क्या दिखाने वाले हो? आज हम पर पुंगड़ा, हां पुंगड़ दिखाने वाले हो तुम। हां तो तुम इनका अनार, ये नाम क्या है? एक सनफ्लावर। सनफ्लावर नीचे तो क्या चीज़? बेंच एक। अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ करता था पहले? बहुत बड़ी छन्नी थी यहाँ पे है। और यहाँ पे हम खूब मस्ती करते थे छोटे में। पूरा मोहल्ला एक बटे के लगी थी दूध। पहल बहुत पहल बात चे, हम भी नहीं बेचा। सूरज चाचा बेचे, हाँ हम नहीं बेचे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हरी सब्जी मरसू की हमारे अमरूद पेड़ चे यार मम्मी ने ये पूरे लगली बड़े सड़ा दिया। ये पेड़ था इतना छोटे हो गया ये, और हम बहुत अमरूद खाना चाहे, और वो पीछे एक अमरूद पेड़ वो भी सड़ा दिया है। अब वहाँ पर थोड़े छोटे अमरूद लग गया। अच्छा अनार का पेड़ भी लग गया। अच्छा दिख अनार का, अनार आयु को जी, ये मेरी मम्मी जी। हाय कर दो भाभी जरा। हाय ये भाभी कहीं की है? ये बच्चों ने हमने बहुत तोड़े हैं। ये पीले पीले, ये गुदड़ी है, गुदड़ी। इसके अंदर से पता नहीं काला काला क्या निकलता रहता है। बीज, बीज क्या चीज? बैंगन, बैंगन। आयु पपीता पेड़ छे। ये मिर्च छे, ये बहुत खतरनाक मिर्च छे। काड़ा लग जाए मुंह में। क्या लगाए? काड़ा लग जाए मुंह में, धुआं आ जाए। चमेली छे ना? ना चमेली, ये व्हाइट रोज। और ये सनफ्लावर से सूख गया, ये बहुत लग। बोलते सनफ्लावर के छुट्टी बहन, छुट्टी में। तो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं। कबूतरों का गोदाम है, जिसे कबूतर चाहिए खरीदना। मेरी चप्पल निकल गई लचन, और ये जो ये नहीं होता बांधा कि खुल गया, धड़ाम गिर गए हम नीचे। हम दो दिन दो मिनट में नीचे गिर जाएंगे। हाँ क्योंकि हमारा हाइट बड़ी थी। ये देखो तो हट जाए वो बटर। अच्छा भाई नाम लल्लू, लल्लू लल्लू म्यार भुलग ना बिच दादा ने रखिया छन। और ये एक भाई नाम कल्लू छ, और एक नाम छुटकी छ, और म्यार नाम चूना छ। आज इसका कैमरा मैंने पकड़ा है। तो भाई ये कैसे हो गया, मतलब आज मेरे कैमरे में, मतलब मेरा कैमरा मम्मी ने पकड़ा हुआ है। आओ हाँ आज मैं तेरी खबर लूंगी। तो कैसे लोगे मेरी खबर, जरा ये बताना। मैं तेरी खबर ये लूंगी। पहले ये बता कि तेरी आज तक कितनी गर्लफ्रेंड है और कितनी थी और कितनी है। मेरी गल क्या पूछ रहे हो तुम यार, हमको कुछ पूछ रहे नहीं, हो नहीं, नहीं बताओ। तो मम्मी क्या बोल रहे हो यार, ये कैमरे के सामने कैमरा खुला हुआ है, मैंने कैमरा बंद कर दिया, क्या बोल रहे हो तुम? कोई नहीं बता, अब बताना पड़ेगा, बताना। मम्मी तेरी दोस्त है तो बता। कैमरे क्या क्या बताऊँ? हाँ बता। तो यार मम्मी पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही हूँ, ये बता कि आज तक तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है, अब कितनी थी और कितनी है। अच्छा मेरी शक्ल देख के तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड होगी? आप शक्ल देख के तो तू ही बता सकता है ना। तो मतलब पूछ रहा हूँ ना आपसे, मतलब आपके बेटे की शक्ल देख के क्या लगता है ऐसी कितनी गर्लफ्रेंड होगी? गर्लफ्रेंड तो होंगी उसे, आप बता।
कितनी खुद बताने चाहिए, खुद बताएगा। देख रहे हो खुद नहीं बोला जा रहा, मेरे से बोल के तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि कितनी गर्लफ्रेंड लगती है मेरी, सब मेरी मासूम सी शक्ल देख के। वैसे तो एक भी नहीं है पर फिर भी। अच्छा चलो मेरी गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पापा और तुम्हारी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। बताओ अब तुम बताओ। ऐसे देख जमाने में अरेंज मैरिज होती थी, लव स्टोरी नहीं होती। तो पर फिर भी ना एक वो होता है कि हर किसी की होती है यार मम्मी। नहीं, तो मतलब थोड़ी जमाने में माँ बाप जहाँ शादी तय कर देते थे वही होती थी। पर थोड़ी तो हुई होगी, मुलाकात हुई होगी, तुमने पर्दे से देखा होगा एक दूसरे को तो देखा होगा। वाह कैमरे बता लो कुछ तो देखा होगा। तो भैया जिन जिन को मेरी प्यारी मम्मी की लव स्टोरी जाननी है कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम कमेंट सेक्शन में बोलोगे तब जाके मम्मी 100% मुँह खोलेगी, मेरे अकेले बोलने से नहीं होगा ये सब। तो यार अभी एक नई खबर सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप और यूट्यूब ये सब बैन होने वाले। तो पूरा किस्सा पता क्या है, 25 फेब को इन्होंने कुछ निकाला था, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस में चेंजेस लाने के लिए बोला था। और OTT प्लेटफॉर्म भी है जितने भी है, अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स, तो इसमें क्या था कि इन्होंने बोला था कि तुमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और जिसके लिए तुमको 3 महीने का टाइम मिलेगा। और वो 3 महीने 25 फेब से लेके 25 मई तक हो गए, यानी आज 26 मई है और 26 मई को वो बताएंगे या फिर उसके एक दो दिन बाद बताएंगे कि ये क्या ये सच में बैन होने वाले हैं या नहीं बैन होंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब खुद के समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ी बहुत वीडियोस देखी, तो वीडियो से ये तो समझ में आ रहा है कि वो कह रहे थे कि जो भी मतलब कुछ उल्टा पुल्टा पोस्ट करते हैं तो इसमें पहले क्या होता था, पहले जो पोस्ट कर रहा है, सपोज जैसे मैं कुछ उल्टा पुल्टा पोस्ट कर रहा हूँ तो प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूँगा। अब क्या है कि अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा मतलब उल्टा कुछ भी पोस्ट करता हूँ, ऐसे भड़काऊ मैसेज पोस्ट करता हूँ या फिर कुछ भी पोस्ट करता हूँ, तो उतना ही जिम्मेदार मैं हूँ लेकिन उतना ही जिम्मेदार प्लेटफॉर्म भी होगा, ये कहने का मतलब। और जितना मैंने ये सुना है उतना मुझे ये भी पता चला कि व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ था कि वो आपकी प्राइवेट, मतलब व्हाट्सएप में क्या होता है कि हम जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो उसके मेरे बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी चैट्स हो गई ना, तो गवर्नमेंट वो एक्सेस कर सकती है। किस बेसिस पे, उनका कहना ये था कि कोई भी क्रिमिनल अगर कुछ प्लान कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसकी चैट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, तो ये भी एक रीज़न है। मतलब जितना मुझे पता चला, मैं इसके ज़्यादा डीप में घुसा नहीं, बट फिर से एक आइडिया आया कि चलो मम्मी के रिएक्शन लेते हैं क्या होता है। और हाँ पबजी जैसा तुम लोगों को पता कि पबजी भी आने वाला है, तो चलो व्हाट्सएप बैन हो गया था। और यूट्यूब से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब वो बैन होने वाले हो सकते हैं, मतलब भारत में? हाँ इंडिया, इंडिया में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी कुछ उसमें उलपटांग पोस्ट करता है, उलपटांग मतलब कुछ भी उलपटांग, ठीक है। तो पहले ये रूल था कि अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जैसे अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा पोस्ट करा तो प्लेटफॉर्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ मैं होऊंगा, सिर्फ मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब उस कम्युनिटी गाइडलाइन में क्या लिखा गया था, सिर्फ एक मुझे पता है कि अगर जैसे मैं कुछ उल्टा पुल्टा पोस्ट करता हूँ तो उतना ही जिम्मेदार मैं होऊंगा जितना और उतना ही जिम्मेदार वो प्लेटफॉर्म होगा। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, पर वो कह रहे हैं कि तुमको भी उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, वो तो है, अभी इसमें सभी लोग रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना उल्टा सुल्टी पोस्ट। हम जैसे किसी के भड़काव मैसेज हो गए, जैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग व्यूज पाने के लिए भी, समझ रहे हो, तो ये सही है ये गलत है? गलत है, वैसे होना चाहिए ऐसा, ये चीज़ ये तो ये मतलब सही है कि दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और पबजी? हाँ बोलो। पबजी तो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि सारे बच्चे उसी में लगे रहते हैं। ओ यार बेकार, और काम धाम छोड़ के अकेले अकेले से अकेलापन नहीं होगा, अकेलापन और से भी हो सकता है, पढ़ के भी हो सकता है।
तो मैं कहाँ लगा रहा था पबजी में, देखा था मेरे को? नहीं तो पबजी सबसे बेकार है। क्यों बेकार है? बेकार है सब बोलो। सबसे बेकार है पबजी। अबे यार मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ के पबजी में लगे रहो सुबह शाम तक, शाम से सुबह पबजी आती नहीं डूबना चाहिए किसी भी गेम में। तो सुबह शाम कहाँ लगे रहते लोग? लगे रहते हैं बच्चे, लगे रहते हैं ना जिनका काम धाम नहीं है, जो अपने ड्यूटियों पे है वो तो अपने खेला थोड़ी देर फिर अपने काम पे चले गए, लेकिन जिनका नहीं है वो पबजी पे ही लगे रहते हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि अगर 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 जैसे अगर मैं टैटू बना दूं तो क्या होगा? टैटू नहीं बनाना है। क्यों? अरे बताओ तो सही, अगर जैसे मैं बना दूं तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं बनाना। अरे मम्मी क्या मतलब क्या हो जाएगा अब तो? अच्छा नहीं लगता। हाँ जो सकल सूरत भगवान ने दी है वही सही है। पर टैटू तो मतलब अच्छे लगते हैं यार बॉडी पे मस्त मस्त। नहीं नहीं नहीं। तो भाई साहब ये ऑन कैमरा था कि टैटू उसके लिए सख्त मना है मेरे घर में, जब मम्मी बोलती थी कि भाई पैरों में खड़े हो जा अपने, कमा कुमा दे कुछ, उसके बाद बना लेना टैटू, तेरे को जो बनाना है कर लेना। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे, प्रैंक वाला तो अब करेंगे है ना, मैं थोड़ा जूते चप्पल से थोड़ा बचना चाह रहा हूँ पर देखते हैं। और जैसे कि मैंने फिर से कहा है कि मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता है नहीं और मैं इतना ज़्यादा डीपली घुसा भी नहीं, क्योंकि देखो एट द एंड गवर्नमेंट ही सब कुछ है ठीक है, और हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो बस अगर जिसको ज़्यादा कुछ पता होगा तो वो जाके कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। और यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक इट, लीव इट, ओह सॉरी, आई होप यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ वीडियो शेयर करना। बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते, पर देखते हैं यार सब्सक्राइब कर दो, यार कर दो सब्सक्राइब।